दमोह जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर जिले में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसी के तहत जिला कलेक्टर तनु राठी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दमोह जिले की राजस्व सीमा में अब कोरोना कर्फ्यू 15 मई तक लागू रहेगा। इसके अनुसार समस्त मेडिकल व पीडीएस की दुकानें दिन भर खुली रह सकेंगी। वहीं शेष दुकानें जिनको पूर्व से खोलने की अनुमति है वे प्रातः 7 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। सब्जी फल के विक्रेता हाथ ठेला के माध्यम से सुबह 7 से 11 बजे तक फल और सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। वहीं दूध की दुकानें प्रातः 7 से 11 और सायं 5 से 7 तक खुली रह सकेंगी। किराना व्यापारी भी प्रातः 7 से 11 बजे तक सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं शादी विवाह समारोह में व्यक्तियों के संख्या को भी प्रतिबंधित कर 20 कर दिया गया है। दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सेवा में हाट बाजारों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि अब 15 मई तक जिले में लॉकडाउन लागू रहेगा, साथ ही जो पाबंदियां पूर्ववत थीं वे जारी रहेंगी। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है केक कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल, सब्जी, किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर केक कार्ट ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉगिन करें, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड करें, उसके बाद अपना एड्रेस, डेट और टाइम सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चिंत हो जाएं।